अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील। मैं जो है पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का यूजर रिव्यू कर रहे हैं ये ZS है, नॉन ईवी, जिसको आप गैसोलीन कार बोलते हैं। जो ZS में दो आती हैं, अक्सर लोगों को शायद नहीं पता, MG की जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मशहूर गाड़ी हुई है वो MGHS है, उसमें 1.5 टर्बो इंजन है, ये ZS है। और इसके अलावा ZS EV जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है जिसमें कोई इंजन नहीं है। हमारे साथ रासिल मौजूद है। रासिल, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। रासिल, आपकी गाड़ी जो है इसके जो वेरियंट है उसके बारे में बताएं, और ये बताएं कि आपने कब ली, मॉडल ईयर क्या है। जी बेसिकली ये मैंने बाय द मिड ऑफ जुलाई में ली है, दिस ईयर। जी ठीक है, जुलाई। और उसमें ये है कि MGHS की ऑप्शन थी मेरे पास, ठीक है, बट उसमें यही है कि जब पता करवाया तो 7-8 लाख ऑन था उस पे। सही है। तो आई वाज नॉट अप फॉर इट। इसका जो इंजन है वो क्या है? 1500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड नॉन टर्बो। जी बिल्कुल, ठीक है। और इसकी प्राइस लोगों के लिए, हमारे यूजर्स के लिए, सो आप और कौन कौन सी गाड़ी कंसीडर की? आपने बताया HS भी आप जेन में थी, या और जितनी कॉम्पैक्ट SUV हैं उनमें से भी किसी को कंपेयर किया? खाली यू आर गोइंग फॉर MG? बेसिकली MG का ही मेरा माइंड था, बट स्पोर्टेज भी एक ऑप्शन थी, ठीक है, बट आई जस्ट लव द इंटीरियर एक्सटीरियर, तो आई हैड टू गो फॉर दिस। ठीक है। तो आपने अगर MGHS और इसको देखा तो इसमें तो प्राइस का काफी डिफरेंशियल है। जी बिल्कुल, इस प्राइस में तो मेरा ख्याल है आपके पास अगर कंपैरिजन देखें तो स्पोर्टेज का भी अल्फा वेरिएंट जो हार्ड टॉप है वो होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। सो आपने स्पोर्टेज वर्सेस MG में MG को चूज किया, रीजन बीइंग कि आपको उसका इंटीरियर ज्यादा पसंद था? जी, एक्सटीरियर एंड परफॉर्मेंस। बेसिकली लोगों ने डबल माइंड किया हुआ था कि HS इज फार बेटर, बट वो 1.6 मिलियन का गैप भी आता है उसमें। ठीक है। तो दिस वाज इनवॉइस प्राइस पे 1.6, और अगर मार्केट प्राइस पे देखें तो करीबन 2 मिलियन प्लस का। जी ठीक है। तो आपने इसका जो ZS वेरिएंट है उसके बारे में आपको पता? बिकॉज हम लोगों ने रिव्यू बनाया था, तो आपने उसका वेट क्यों नहीं किया? बेसिकली जी मुझे था नॉलेज इसके बारे में। ठीक है जी। बल्कि इन पे वेट किया आपने, जुलाई मिली तब तो आ गई थी ZS जो EV भी है। बेसिकली ये मैंने 500 किलोमीटर ड्रिवन ली है। ठीक है। और बिकॉज मैं पैकेजेस मेरा चक्कर लगा था, मैंने टेस्ट ड्राइव लिया इसकी। ठीक है। तो दे वाज जस्ट टेलिंग मी के 2-3 मंथ्स का वेट है, बट मुझे अर्जेंट चाहिए थी गाड़ी। ठीक है। तो दिस वाज एज गुड एज न्यू। सो ठीक है। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप लेने गए और आपने बताया कि वहाँ पे ZS EV मौजूद थी उस टाइम पे? EV मौजूद नहीं थी। नहीं थी, नहीं थी। अगर आज आपको ऑप्शन दी जाए कि सेम यही गाड़ी विद मोर ऑप्शन, जिसमें पैनोरामिक रूफ और काफी चीजें और हैं, और वो आपको इलेक्ट्रिक में मिल रही है, वुड यू गो फॉर इट, स्टिल ऑप्ट फॉर दिस वन? आई गेस नॉट राइट नाउ, दिस इज नॉट द राइट टाइम। सो आपके बजट के लिहाज से बजाय कि आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक अभी बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है? अभी बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। अच्छा, चले अब इस गाड़ी पे आ जाते हैं। 1500 cc गाड़ी है, और आपने जो है कंपेटिटर्स को कंपेयर करते हुए आपने ये ले ली गाड़ी, और अभी आपने कितनी चला ली है? 1800। अच्छा, तो ये आपने जब ली थी 500 चली हुई, 500 तो 1300 के करीब चलाई आपने। एग्जैक्टली। सो आप इसको लॉन्ग पे भी लेके गए? जी लॉन्ग पे लेके गए। क्या एवरेज दी इसने आपको लॉन्ग पे? 13, अराउंड अबाउट 13। और शहर में क्या फ्यूल एवरेज थी? शहर में 11+ है, व्हिच इज मच बेटर देन एन HS। HS जो है वो तो तकरीबन 7.5-8 की सोने ऑप्शन दे रही है। जी बिल्कुल। इसमें 48 लीटर का टैंक है। ठीक है। और अराउंड 5100 में फुल हो जाता है। 8-9 लीटर इसके रिजर्व में होते हैं। ठीक है। और जो HS है वो आपको पता है कि वो उसपे है हाई ऑक्टेन का इशू है। अच्छा, इसमें कंजम्पशन फिगर यहाँ भी लिखे हुए आ रहे हैं, बट वो ऑब्वियसली कंपनी क्लेम्ड है, और आपका जो है तजर्बा वो गाड़ी चलाने के बाद होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसका जो गियर है वो DCT है, नॉर्मल है? इसमें जो है डुअल क्लच आता है, दिस इज फॉर द पार्किंग। सही है। रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, दिस इज फॉर द स्पोर्ट्स मोड। सही है। और ये मैनुअल है। सही है। थर्ड गियर, राइट। तो इसमें DCT क्लच है कि नॉर्मल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है? DCT है। बिकॉज DCT के अंदर, उसमें आपने अगर फोरम वगैरह पढ़े तो मैंने देखा कि HS के अंदर काफ़ी लोगों को इशू आता है कि DCT शायद ओवर हीट हो जाता है या कुछ ज़रा सेंसिटिव है। सच तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अच्छा, आपने इतने पैसे खर्चे, आप कोई चीज़ गाड़ी में मिस करते हैं कि यार मैंने गाड़ी ली है, इसमें ये ऑप्शन भी होनी चाहिए थी, ये भी होनी चाहिए थी, या अगर मैंने HS भी देखी है तो इंसान की विश लिस्ट होती है? जी बिल्कुल। सो क्या आप मिस करते हैं? रिट्रैक्टेबल मिरर्स। ठीक है। द कंसोल बॉक्स। कंसोल बॉक्स नहीं है, ये तो बढ़िया। ये नहीं है। और पैनोरामिक सनरूफ। सही है। मैंने ZS EV का रिव्यू किया था, उसमें यहाँ पे वो तो था, कंसोल भी था जी, उसमें पैनोरामिक सनरूफ भी था, उसका मीटर भी ऑब्वियसली EV की वजह से फ़र्क था, एंड इट हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस में। बल्कि मैं भी देख रहा था जो अब आई हैं गाड़ियाँ उनके अंदर तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया हुआ इन्होंने, तो उस लिहाज से ऑप्शंस के लिहाज से काफ़ी स्लैश डाउन है, फील नहीं होता वंस यू ड्राइव इट, वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ इट नहीं होता। अच्छा, तो ड्राइविंग प्रायर कैसा है गाड़ी का? ड्राइविंग बहुत स्मूथ है, अंडर पावर नहीं है जिस तरह लोग बता रहे थे कि डोंट गो फॉर ZS। नहीं, आई डोंट थिंक, देखिए 1500 cc नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, गाड़ी का साइज भी छोटा है, स्मॉलर देन एन HS, तो उस लिहाज से तो बेहतर होगा। लेदर सीट्स हैं। अच्छा, अभी इसकी जो लेग स्पेस अगर वो देखें, वो साइज अगर छोटा है, तो पीछे जो लोग बैठते हैं, अगर फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो पीछे वाली जो लेग स्पेस है वो कैसी है? वो काफी है।
ठीक है जी, 5 लोग आराम से बैठ रहे थे कि 4? 5 भी बैठ सकते हैं ठीक है या, लेकिन 4 के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है ठीक है। अलॉय रिम्स हैं इसके ठीक है, और उसके बाद अलॉय सेम है इसमें भी, और ZS EV उसमें भी सेम है बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो अगली लाइटें हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं, सिवाय इसके इसमें वो नहीं है, ज़ीनॉन नहीं है, वो येलो सी लाइट जल रही है, पिछली लाइट की शेप भी बड़ी खूबसूरत है, DRLs हैं इसमें, फॉग लाइट्स हैं ठीक है, रिफ्लेक्टर्स हैं बिल्कुल, और हर जगह पे आपको ये गार्निश मिलता है ना साइडों पे। सही। एयरबैग्स कितने इसमें? 6 एयरबैग्स हैं। 6 एयरबैग्स ठीक है, और 2 सीट्स में ठीक है, एंड द साइड मिरर्स। अच्छा ये जो इसमें कार्बन फाइबर टच टीवी है, जेनुइन है आपने लगाया? नहीं ये जेनुइन है जी। अच्छा बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी बिल्कुल। अच्छा इसके अलावा इसके अंदर ये यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट आ गया, और 12 वोल्ट का चार्जर है। सही है। और उसके बाद ये एप्पल कारप्ले है। ये इसकी जो स्क्रीन है प्रीलोडेड है? जी प्रीलोडेड। आपने खुद नहीं लगाई? नहीं मैंने। ठीक है। एंड्रॉयड है क्या? ये एंड्रॉयड है और एप्पल कारप्ले, एप्पल कारप्ले भी है, तो एंड्रॉयड ऑटो भी होगा इसमें सारा कुछ। ठीक है। और इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है, एफिकेसी कोई लैग नहीं है, क्योंकि अक्सर होता है आप गाड़ी में किसी से बात करें तो अगला कहते हैं यार सही तरीके से बात करो, फोन कनेक्ट किया हुआ है गाड़ी से, तो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। खड्डों में कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई दफा मैंने 0 मीटर गाड़ी वैसल वगैरह चलाई है, वो ढक करके आवाज देती है, नहीं कोई स्मूथ है बिल्कुल ठीक है। सो और रोड ग्रिप कैसी गाड़ी की? रोड ग्रिप अच्छी है, ब्रेक आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस ठीक है, और ब्रेक्स वगैरह? ब्रेक्स बहुत। मेंटेनेंस कहाँ से करा रहे हैं, कंपनी की वर्कशॉप पे लेके जाते हैं? जी इनका पैकेजेस में भी है, में भी है, में ही यही है, यही है, यही है, अभी बाकी बने नहीं है, तो ये थोड़ा मुझे था कि इशू के इनका भी इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ है पाकिस्तान में। सही है। तो वो थोड़ा रिस्क ऑब्वियसली आपके माइंड में रहता है। ठीक है। तो आपने जब गाड़ी ली तो आपने कंसिडर किया, खैर आपने जापानी गाड़ी भी रखी हुई थी तो उसके लिए भी कोई ये रिस्क तो आपने लिया होता, तो मेरा ख्याल है यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु आर रिस्क टेकर्स। एग्जैक्टली। तो आपने ये सोचा नहीं कि यार डीलरशिप सिर्फ लिमिटेड है तो मुझे स्कीम आउट, तो आई ऑलरेडी हैड इट प्लान कि मुझे लेनी है। सही है। सो यस। और अभी इसकी प्राइस इन्होंने कोई कम नहीं की जो बजट में गाड़ियों की प्राइस उसमें की नहीं हुई, मैंने पता करा, बिकॉज़ इंपोर्टेड गाड़ी है इसके अंदर ना, तो वो उसको रिलीफ मिला है FED के ऊपर, और क्योंकि उसमें FED पहले नहीं थी और विदहोल्डिंग टैक्स पहले नहीं था, तो मेरा ख्याल है इसकी प्राइस वही रही होगी। सो वही जो लोकली मेड गाड़ियाँ हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा मिला है इस लिहाज से। सो ये प्री बजट और पोस्ट बजट दोनों में 41 समथिंग की है, 41-35 ठीक है। AC की परफॉर्मेंस कैसी है? मुझे याद है बिकॉज मैंने EV किया था, तो मुझे अच्छी है। इसे डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है कि एनालॉग है? एनालॉग है, एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल है, बल्कि वो भी पुराने जमाने का एनालॉग है, कि उसमें कहीं टेम्परेचर भी नहीं खा रहा। दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, इसका जो शेप है ना आई डोंट लाइक इट, वो थोड़ी सी इन्होंने डिजाइन फिलॉसफी सारी कन्वेंशनल रखी है। आप AC के वो देखें, ये देखें, अच्छा पीछे AC के वेंट भी नहीं है, पीछे AC के वेंट नहीं है राइट? जी बिल्कुल पीछे। चलें अभी तो जुलाई के बाद अगस्त आ गया, तो अब अगले साल ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो आजकल ह्यूमिडिटी है तो AC बड़ा अच्छा चलता है, बट मेरा ख्याल है इस कैबिन के लिए इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए AC का। साउंड सिस्टम कैसा है इसका? बहुत अच्छा है। अच्छा जी। स्टीयरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लिवर नज़र आ रही है, एक्स्ट्रा लिवर किस चीज़ की? क्रूज भी है? या इट हैज़ अ क्रूज, दिस इज़ फॉर द इंडिकेटर। ठीक है। और पहले वीक में ऑब्वियसली इशू होता है बिकॉज हम अकस्टम्ड होते हैं। यस एग्जैक्टली। तो उसमें यह है कि इंडिकेटर इज़ ऑन द लेफ्ट। ठीक है। डाउन करेंगे दिस फॉर द लेफ्ट साइड, समझ गया। और ये जो नीचे है ये आपका क्रूज का? यस। क्रूज इसमें अडैप्टिव नहीं, नॉर्मल है जी। नॉर्मल है, अडैप्टिव है? अडैप्टिव। सो अडैप्टिव है मींस आपने ये 60 पे लगाया, ऑटो ब्रेक करेगी और खुद ही चलाएगी कि नॉर्मल वाला है क्रूज? नो इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल है। और इसमें लेन असिस्ट और इस तरह के जो सारे फंक्शन थे जो कि HS में आ रहे हैं, ऑल होस्ट ऑफ फंक्शन जो कि मुझे लगता है प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इसमें वो नहीं है, ऑटो पायलट नहीं है। यस ठीक है, अच्छी बात है। हमें ऑटो पायलट इस रश में क्या करेंगे? बिल्कुल एंबिएंट लाइटिंग नहीं है, एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है। इंटीरियर कलर की ऑप्शन भी सिर्फ ये एक ही है कि जितना HS में है, सिंगल टोन है, सिंगल टोन, सिंगल टोन है। सो इसमें एक ही वेरिएंट है, इसमें मल्टीपल वेरिएंट नहीं है, और उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, ना ही पैनोरामिक रूफ की, ना ही इसके कलर जी बिल्कुल, और ना ही एम्बिएंट। तीन चीज़ें जिसपे MG लोग बहुत ज़्यादा ले रहे थे वैसे। मैं तो आई एम सरप्राइज आपने MG जो लिए, बाकी सारे MG जिससे पूछा क्यों लिए जी, इंटीरियर लाल रंग का है और एम्बिएंट लाइट बड़ी अच्छी है जी। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एट सम पॉइंट ना। हाँ नहीं नहीं, मैं तो आई एम वन ऑफ दोस पीपल, आई एम वेरी प्रैक्टिकल। मैं तो कहता था यार दिस, ये सारा ग्लिटर जो है ना इसके छोड़ के गाड़ी के बेयर बोन्स जो बेसिक है ना वो चेक करनी चाहिए। आई जस्ट वांटेड टू हैव अ फीडबैक ऑफ हाउ दे, उनकी सर्विस डिपार्टमेंट कैसा, बिकॉज जितने भी नए एंट्रेंट आ रहे हैं ना उनकी गाड़ियाँ तो अच्छी होती हैं, लेकिन एक्चुअली फ्रेंडली, दैट्स व्हाट आई हैव सीन। यस सही है। ये आप बता रहे हैं MG का जो है डीलरशिप एट पैकेजेस मॉल? जी बिल्कुल। ठीक है। कर्टियस स्टाफ है, एक तो MG यहाँ पे मेन बुलेवार्ड पे भी बना ना जी, मैंने देखा है। सही। पीछे से इसके आपने एक चीज नोटिस की, डिजाइन में इसकी जो ढोलकी है बड़ी अगली सी है, अगली सी है, बड़ी अजीब से अलहदा नजर आती है। फ्रंट मेक्स अप फॉर इट, फ्रंट बहुत खूबसूरत है, फ्रंट बहुत खूबसूरत है, साइड प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बैक की लाइट्स बहुत खूबसूरत है जी बिल्कुल। जो मुझे एक तो आदत थी इसको ZS EV को देखने की, उसमें कोई एग्जॉस्ट ही नहीं है, एग्जॉस्ट
तो अभी भी जब मैं आप आए हैं रिव्यू के लिए, मैंने गाड़ी देखी, मैंने कही ये पहले तो सबसे पहले मैंने एक झटका तरीका रखा है कि ये पेट्रोल वाली है कि ईवी है, तो अगर उसमें एग्जॉस्ट लगा तो ईजी ईवी नहीं है, तो वो थोड़ा टर्न ऑफ था। बाकी तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी है, और जिस तरह आप बता रहे हैं परफॉर्मेंस फिगर, सो आई थिंक इट्स अ गुड कार। बट डू यू थिंक रीसेल में अगर आज आप इसको बेचना चाहें तो ये तंग करेगी, नुकसान करेगी कि बिक जाएगी? अभी इस पे 1.5-2 लाख ऑन चल रहा है। अच्छा, आप एड्स वगैरह देखें ऑन इस पे भी है? ऑन है जी, बिल्कुल है, बिकॉज पैकेजेस में गया था तो रेड एंड ब्लू कलर दे वर रेडली अवेलेबल, बट व्हाइट और ब्लैक के लिए आपको वेट करना पड़ा। ठीक है, रेड एंड ब्लू आर रेडली अवेलेबल, बिल्कुल सही। और इसकी जो अगेन फिर आपने कोई आइडिया लिया है जब आप गाड़ी ले रहे थे? मैं तो कोशिश करता था कि मैं उसके पार्ट्स की प्राइसेस भी लूँ, अवेलेबिलिटी, आपने कहा कि चलो ठीक है डीलरशिप कम है, लेकिन फिर भी क्या आपने ये चेक किया कि पार्ट्स अवेलेबल? पार्ट्स मिल जाते हैं, द हेडलाइट्स दे कॉस्ट अराउंड लाइक 98,000 और एक के पेयर फॉर वन या व्हिच इज अ लॉट इट इज अज्यूमिंग के बिल्कुल सादी लाइट है, कोई अडैप्टिव नहीं है, कोई ज़ीनॉन नहीं है, कोई एलईडी नहीं है, सिर्फ एक डीआरएल है उसके अंदर, तो 98,000 तो बहुत ज़्यादा महंगी लाइट नहीं जी। तो आप स्टूडेंट आदमी लग रहे हैं मुझे, तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये बड़ा फैक्टर होता है कि यार मैं तो मैंने जवानी है, बड़ी गाड़ी हमारी है। देखिए आजकल जिस तरह कोरोना के टाइम चल रहे हैं तो आपको इंसानों का भी नहीं पता कि कितना लाइफ स्पैन है, तो फिर एक गाड़ी। सो आपने इंश्योरेंस कराई है? नहीं जी, अभी नहीं करवाई। करवाते हैं वैसे गाड़ी? नॉट रियली। उसकी क्या वजह? मैं एक रिसर्च करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा ऑफ द क्वेश्चन। I don't think it's useful because I drive like carefully. नहीं नहीं, आप तो drive carefully करते हैं, पाकिस्तान में आप खड़े होंगे motorcycle वाला गिरेगा और sorry कह के चला जाएगा, उसके बारे में क्या करें? Exactly, that is a big issue. तो मैं तो इसलिए हर एक को कोशिश करता हूँ कि लोगों को कहूँ कि यार आपको करवा लेनी चाहिए, because पता नहीं होता कि थर्ड पार्टी क्या करेगी। सो इसके अलावा अच्छा आपने इसके अंदर स्पेयर व्हील आता है कि नहीं आता? स्पेयर व्हील है जी। है, मेरा एक सवाल बड़ा हमेशा जरूरी होता है कि हमारे यहाँ पे कई कंपनियाँ बड़ा एडवांस चली गई, स्पेयर व्हील नहीं देती, सिर्फ प्रेशर पंप दे देती हैं, बस वो उसमें इंसान फंस जाता है। हाँ, तो चार्जर लेता है और फोन लेता है, तो इन्होंने दिया हुआ है? चले बहुत अच्छी बात है, फिर वार्निंग साइन भी है। ठीक है, और जो बैक सीट्स हैं ये फोल्डेबल हैं। ठीक है, और ज्यादा आपको जो है लगेज का कंपार्टमेंट मिल जाता है। सही, कुछ 0-100 फिगर्स पता है इसके? नॉट दैट आई एम आस्किंग यू टू डू इट और चेक इट राइट नाउ, या वी कांट। नहीं, वैसे मेरे साथ बिल्कुल चेक ना करें, मैं बहुत डर लगता है। 11 12। ठीक है, स्लगेज तो नहीं है? It's not. क्योंकि कई गाड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर एसी चला तो फिर बंदे को सर दिल करता है कि साथ भागना खुद ही शुरू कर दे। No, it's not. It's not sluggish at all. अच्छा, इसका मीटर जो है वो थोड़ा उसमें क्या है, ऑप्टेट ऑन है, सिंपल है? इसमें बेसिकली आप कह लें कि shows you the average. सही है, रेंज है, सही है, और इसके बाद when you get to the settings, तो उसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम तो मेरा ख्याल है चाइनीज गाड़ियों के साथ जो है ना जहेज में है, हर चाइनीज गाड़ी बिल्कुल ऐसे ही है। और वो ऐसे बताते हैं टीपीएसएम, मैं तो बड़ा इसके वैसे सख्त खिलाफ हूँ। पाकिस्तान में आप एक खड्डे में मारेंगे ना तो लाइट आने शुरू हो जाएगी, पुरानी जितनी जर्मन गाड़ी है उनमें हर वक्त ये ऑरेंज लाइट देख देख के तो मेरा दिमाग वैसे ही पक गया जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जो इसका स्टेयरिंग व्हील है ये बड़ा सिग्नेचर एमजी का जो स्टेयरिंग व्हील है, हाइड्रोलिक है, और उसके बाद ये कह लें कि आप यहां भी क्रोम का आपको दिया गया। नहीं, मैं बता रहा इसका जो एमजी का स्टेयरिंग है समथिंग आई डोंट लाइक इन दिस कार। व्हाई? द साउंड बेसिकली हल्का है, यू सी। अच्छा, वो हमारे यहां की ट्रैफिक पर लोग सुनते नहीं होंगे? नहीं सुनते बिल्कुल, काफी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। अच्छा, आप कह लेते हैं गाड़ी में टू मच प्लास्टिक है, मुझे यहां पे भी लगेगा प्लास्टिक बहुत ज्यादा है। व्हेन आई सिट हियर तो आई फील कि प्लास्टिक ज्यादा है, बट उसकी क्वालिटी कहीं बुरी नहीं है, मैं ये बता रहा हूं। अगेन इसको कंपेयर करें अगर ZS को और HS को तो कोई ये नहीं लगता कि आपको कि यू आर वन ग्रेड डाउन, इट डजंट फील लाइक इट। बिल्कुल ठीक है, आपने रजिस्टर करा ली? रजिस्टर करवा। क्या कॉस्ट आती है इसकी? कॉस्ट अराउंड लाइक 40-60। बस 40-60। अच्छा, आज आपके साथ बैठे तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, आगे पीछे हर जगह मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि हर तरफ ZS हुई हुई है। अच्छा, 42 तो बड़ा जायज पैसे हैं। और सालाना टोकन कितना? ये लाहौर से कराया आपने? जी, मैंने लाहौर से। और सालाना टोकन कितना है? आई हैव लिटिल क्लू अबाउट इट। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सो ये था आज के रिव्यू। अगर आप भी ब्रांड न्यू MG ZS के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाएं, वहाँ पे ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर का हमने टूल बनाया है, आप अपने रिस्पेक्टिव सिटी में देख सकते हैं कि आफ्टर गवर्नमेंट टैक्सेस और रजिस्ट्रेशन आपको गाड़ी ऑन रोड कितने की पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप यूज्ड MG ZS खरीदना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पे यूज कार सेक्शन में जाएं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लिस्टेड हैं। याद रहे, यूज गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर कॉल करें, जो कि आपको 200+ पॉइंट के ऊपर गाड़ी का कंप्लीट इंस्पेक्शन चेक प्रोवाइड करती है, जिसमें गाड़ी का इंजन, पेंट, सस्पेंशन, बॉडी, गर्ज ये कि आपको अपने घर बैठे हुए हर एक चीज़ जो कि आपको गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए होती है ज़रूरत, वो आपको घर बैठे हुए इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, iOS और एंड्रॉयड दोनों के ऊपर मौजूद है, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर 0422111947 के ऊपर कॉल करके भी जो है आप अपनी इंस्पेक्शन जो है कॉल कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।
आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदर में अकेलों का ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है, बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। गाड़ी की टीम ओनली ऑन parkwheels।